हेलो दोस्तों, साडे चैनल में तुहाडा स्वागत है। अज्ज आपां दोस्तों साइंस दे क्वेश्चन आंसर वर्क एंड एनर्जी कार्ज अते ऊर्जा यानी कि कम अते ऊर्जा रिलेटेड पार्ट 38 दे विच डिस्कस करांगे। तां दोस्तों शुरू करते हैं सब तो पहला क्वेश्चन, कार्ज नूं मापण दी इकाई की है? भी जिहड़ा वर्क हुंदा कम हुंदा उहनूं किवें मापिया जांदा, इहदे कह सकदे आपां इहदे यूनिट की आ मापण दे। तां इहदा सही आंसर हैगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जूल। जूल की आ ये SI यूनिट आ, यूनिट आ SI यूनिट कहने इन्हों। तो जोड़े समाल यूनिट की गल करिए, आप छोटे यूनिटा की गल करिए अर्ग होंगे ERG अर्ग। तो जोड़े मेन यूनिट आ गए काम नू कार्ज नू मापण दे ओह आ गए जूल। अगे दोस्तों अपने को क्वेश्चन आता ऊर्जा नू मापण की इकाई की आ, जिमें कि एनर्जी नू, एनर्जी कहदे च मापदे। तो यह राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जूल। हुण तुहानू दस दईए जिहड़ा वर्क हुंदा ते एनर्जी हुंदा, हुण जिहड़ा भी कोई वर्क करना आपां उहदे विच की एनर्जी लगती है, एनर्जी किन्नी लगती है, जिन्नी एनर्जी लगी, जिन्नी ज़्यादा एनर्जी लगी उन्ना वर्क ज़्यादा। तां करके इहनां दे यूनिट आ जिहड़े उह सेम आ, वर्क दे भी एनर्जी दे भी, यानी कि कम दे ते ऊर्जा दे यूनिट जूल आ जांदे आ। हुण इक आपां वर्क नूं जां एनर्जी नूं आपां कैलरी च भी माप लें, कलोरी भी कह सकते हैं ज कैलरी कह दें, कैलरी के भी माप सकते हैं। एक कैलरी है जी वह 4.18 जूल के बराबर होंगी, भी जाने कि जी कैलरी है वह जूल नालों बड़े यूनिट आ गए। एक कैलरी के 4.18 जूल होंगे ने। नैक्सट क्वेश्चन है जी, जदों कोई वस्तु उपर न उठा के रोक ली जाए, भी उपर कोई चक ली, कोई बॉल ला लो, कोई कुछ भी आप कह सकते हैमर ला लो, उस विच कीड़ी ऊर्जा हुंदी है? तो इहदा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जिहनूं कि पोटेंशियल एनर्जी कह दिंदे आ, किसी वस्तु की पोजिशन तो पोजिशन करके जो उहदी पोजिशन आ भी उह कित्थे पई आ, आले दुआले सराउंडिंग दे हिसाब नाल उह कित्थे आ, उस द्वारा जिहड़ी एनर्जी प्रोसैस की जाती आ उहनूं आपां पोटेंशियल एनर्जी कह दिंदे आ, स्थितिज ऊर्जा। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल, स्प्रिंग नूं खिंचण ते कोई स्प्रिंग आ वध तो वध स्थितिज ऊर्जा कदों होवेगी, भी जदों कोई स्प्रिंग खिंचदे आ आपां भी उहदे विच ऊर्जा जिहड़ी पोटेंशियल एनर्जी वध तो वध कदों होवेगी? तो इहदा राइट आंसर हैगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोवें ए अते बी, भी जदों इस नूं फैलाया जाता, भी यानी कि इहनूं जदों खिंचया जाता तो जदों इस नूं इकट्ठा किया जाता, भी यानी कि इहनूं कंप्रैस किया जाता, क्योंकि जदों आपां स्प्रिंग नूं खिंच के रख लैंदे आ उस पोजिशन पर आ के पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। जे आप कंप्रैस करके रख लिया, सपोज उन्होंने इकट्ठा करता स्प्रिंग नूं, तां उदों भी ज़्यादा, क्योंकि जदों आप छड्डांगे तो वह तेजी नाल फैलूगा, जे आप खिंचया होया तो तेजी नाल इकट्ठा होगा। नैक्सट आ जी क्वेश्चन, एक घड़ी के एक पेंडूलम विच कीड़ी ऊर्जा होंगी? पेंडूलम जिहड़ा जदों ओसीलेट करता, ओसीलेट का मतलब जदों ओरिजिन पोजिशन तो लैफ्ट ते राइट ते जांदा है तां उहदे विच कीड़ी ऊर्जा होंगी है? तो इहदा राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा, जिहनूं कि इंग्लिश दे विच कह दिंदे आ मकैनिकल एनर्जी। मकैनिकल एनर्जी है जदों पेंडूलम आ जिहड़ा एक घड़ी दा एक क्लॉक दा मूव करता है। नैक्सट आ जी अपने कोल क्वेश्चन, किसी वस्तु की गुरुता स्थितिज ऊर्जा भी जिहनूं ग्रैविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह दिंदे आ उहदे की कारण? तो इहदा सही आंसर हैगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सारे, भी यानी कि इसका पुंज किसी वस्तु च भार किन्ना का उहदे ते निर्भर आ, किसी वस्तु का प्रवेग किन्ना का यानी कि वेलोसिटी किन्नी का उहदी उस ते निर्भर करता, एक्सलरेशन ते सॉरी, इसकी उचाई धरती की सतह तो किन्नी है, भी कोई वस्तु उच्ची किन्नी का, इहनू MGH नाल माप दिंदे आ, MGH आ जांदी है गुरुता स्थितिज ऊर्जा हुंदी जिहड़ी, जिहनू ग्रैविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह दिंदे आ। नैक्सट है जी क्वेश्चन, एक गेंद 10 मीटर की उचाई तो सुट दिती जाती है तो की हुंदा है? भी 10 मीटर की उचाई उपरों जदों धरती वल सुट्टी जाती है तो की हुंदा? तो इहदा सही आंसर हैगा ऑप्शन नंबर सी, भी यानी कि थले आउण वेले स्थितिज ऊर्जा घटती है। स्थितिज ऊर्जा का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा वधदी है। गतिज ऊर्जा कि कनैटिक एनर्जी, भी यानी कि क्योंकि किसी पोजिशन करके जिनी उच्ची बॉल मान लो खड़ी आ उस पोजिशन पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा उहदी, जदों आपां उपरों सुट दित्ती छड्ड दित्ती तां उहदी पोटेंशियल एनर्जी घटन लग जाती आ, ते उहदी जिहड़ी गतिज ऊर्जा कनैटिक एनर्जी आ उह वध जाती है। कनैटिक एनर्जी की हुंदी आ? मोशन करके,
ਕੋਈ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਛੱਡਤੀ ਬੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤਿਜ ਊਰਜਾ ਉਹ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਗਤਿਜ ਊਰਜਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗਤਿਜ ਊਰਜਾ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਗਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਗਤਿਜ ਊਰਜਾ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਗਤਿਜ ਊਰਜਾ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1/2 mv² m ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ, ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਲੋਸਟੀ ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਬਲੋਸਟੀ ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਹੋਊਗਾ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੋਊ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੋਸਟੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਬਲੋਸਟੀ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਬਲੋਸਟੀ ਆ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀ ਜਦੋਂ ਦੂਆ ਆਪਾਂ ਦੋ ਦਾ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲੂ, ਬਲਟੋਸਟੀ ਦੀ ਵੈਲੂ 2 ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਲੋਸਟੀ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 4 ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ 4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਜੂਲ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਜੂਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਆ ਇਹ ਮਾਪਣ ਦੇ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੋਰਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੂਲ ਹੁੰਦੇ ਯੂਨਿਟ, ਗਤਿਜ ਊਰਜਾ, ਸਥਿਤ ਊਰਜਾ, ਊਰਜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਆ ਚਾਹੇ, ਉਹਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਨਿਟ ਜੂਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੂਲ ਜਾਂ ਅਰਗ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੈਲਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗਤਿਜ ਊਰਜਾ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਅਲੱਗ ਆ, ਸਥਿਤ ਊਰਜਾ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਅਲੱਗ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਬਥੇਰੇ ਸਥਿਤ ਊਰਜਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਖੜਾ, ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੌਂ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, MGH ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਛੱਤ 'ਤੇ ਖੜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇੱਕ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਤ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੱਤ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਬ ਲਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ।